आज सदर हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया गया है, क्योंकि पिछले एक महीने से दो ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें कि जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई है। उसके बाद ड्यूटी से डॉक्टर और जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं वो एब्सेंट पाए जा रहे थे वो देखने के लिए। साथ ही दलालों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा था, इसलिए हमने फोर्स भी सैफ के 10 जवान सहित होमगार्ड को लगाया है ताकि हॉस्पिटल जो हमारी पहले से चली आ रही थी उस हॉस्पिटल को फिर से कायम करना और जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको मेंटेन करना बढ़ाना इस औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य था। और रात के समय में इसलिए निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जो बेटर पोजीशन है वो उसे हम देख सके कि डॉक्टर है या नहीं है, इसी के लिए आज औचक निरीक्षण किया गया। वैकेंसीज भी निकाले थे और सरकार के साथ हमने पत्राचार भी किया है। जल्दी ही चूंकि इलेक्शन का समय था इसीलिए नहीं आ पाया था, लेकिन जल्दी ही डॉक्टर जो है वो फुलफिल हो जाएंगे और जैसे ही डॉक्टर्स फुलफिल होंगे और भी जो सुख सुविधाएं हैं वो मिल पाएगी। सर कोई कार्रवाई भी किया गया है क्या आज? कार्रवाई के तौर पे चेतावनी दी गई है और आज जो गायब पाए गए हैं उन सबकी वेतन भी जो है सो रोक दी गई है, एक्सप्लेनेशन भी उनसे मंगाए जाएंगे और फिर नेक्स्ट जो कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई की जाएगी। उसका भी अभी रिपोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं है जो है सो किया है और ऑन कॉल की जो क्षमता है वो चल रही है जो कि सही नहीं है। और निश्चित रूप से डॉक्टर कम है लेकिन स्वास्थ्यगत जो सुविधाएं और डॉक्टर की जो अपनी ड्यूटी है उनको पूरा करना पड़ेगा और इसके लिए ही औचक निरीक्षण चल रहा है। मणिपुर टीम जो है आज सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रही है और ये आज के लिए निरीक्षण नहीं है लेकिन ये बार बार होगी जब तक कि पूरी सिस्टम जो है ठीक नहीं हो जाता।